સમગ્ર જિલ્લામાં કોરોના વાયરસને લઈને લોકડાઉનની પરિસ્થિતિ હતી ત્યારે એનસીસીના જવાનો પણ ખડેપગે રહી પોલીસની સાથે ખભે ખભા મિલાવીને કામ કરી રહ્યા હતા ત્યારે આજે એનસીસીના વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા 1000 જેટલા માસ્ક તૈયાર કરી જરૂરિયાતના ગામડાઓમાં આપવા માટે જિલ્લા કલેક્ટર સંદીપ સાંગલેને આપવામાં આવ્યા હતા આ પ્રસંગે એનસીસીની 35 બટાલિયનના ઓફિસર અમિત પૂર્તિ એનસીસીના કમાન્ડિંગ ઓફિસર એનસીસીના અધિકારી ભરતભાઈ ખડોડિયા સહિત એનસીસીના અધિકારીઓ તેમજ વિદ્યાર્થીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા पिछले लगभग 10 दिन पहले हम लोगों के पास में एक हुक्म आया कि जो कोविड-19 के मास्क हैं वो गरीबों में बांटने के लिए एनसीसी के कैडेट्स जो है उसको तैयार करेंगे। हमारे पास में टास्क आया था कि 1000 मास्क हम लोगों ने बनाना है और उस 1000 मास्क को बनाने के बाद में जो यहाँ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब हैं उनके पास में उनको जमा कराने हैं और इससे जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब जहाँ चाहें उन सबका डिस्ट्रीब्यूशन जिन लोगों को रिक्वायरमेंट है जो गरीब लोग हैं और सोशल सर्विस के रूप में एनसीसी जिसका एक मकसद होता है सोशल सर्विस करना हम लोगों ने ये काम किया और अंत में जब डीसी साहब के पास में आज हम लोग देने के लिए गए थे और उनको देने के बाद में डीसी साहब ने बोला कि आप लोगों से अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर्स कौन हो सकते हैं क्योंकि आपके कैडेट्स तो हर एक तालुका में हर एक गाँव में है तो जिस जिस जगह पर भी गरीब लोग हैं जिनको ये नहीं मिल पा रहा है उन लोगों के पास में हम लोग फ्री का मास्क को हम लोग बांट सकते हैं और ये एक अच्छा उदाहरण है जो कि एनसीसी हमेशा देती है समाज सेवा का। जैन 35 बटालियन गुजरात एनसीसी द्वारा कर्नल अमित पूर्ति सर द्वारा हमारे एनसीसी कैडेट से 1000 मास्क बनाया है। हमारी टीमें ખૂબ જ મહેનત કરી છે આ પાછળ અને અમે બધા ભેગા થઈને કલેક્ટર ઓફિસે આવ્યા છીએ આ માસ્કનું અલગ અલગ ગામમાં વિતરણ કરવા માટે પરમિશન લેવા માટે।